तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मेरे ऑफिस में दिल घबरा रहा था, इसलिए चली आई। इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, दिल को जरा काबू में रखो। ससुराल में तो लगाया नहीं, कम से कम ऑफिस में ही लगा लो। आपको भी यही लगता है ना कि जमान ने मुझे नहीं बल्कि मैंने जमान को छोड़ा है? तलाक हो जाए ना तो इल्जाम सिर्फ औरत पे ही लगता है, मर्द का क्या है, वो तो दामन झाड़कर बच निकलता है। अम्मी जमान इस लायक था ही नहीं कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ बर्बाद करती। शक्की और बदजबान तो था ही, लेकिन हद दर्जे का कंजूस और कमीना। नरमीन, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहाँ कुंवारी लड़कियों को मनहूस और कमीने तो मिल जाते हैं, लेकिन तलाक याफ्ता को वो भी नहीं मिलते। आप क्यों मेरी फिक्र कर रहे हैं? नहीं चाहिए मुझे शौहर, गुजार लूंगी जिंदगी में अकेले। तो क्या जॉब भी नहीं चाहिए तुम्हें? शौहर के बगैर तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन पैसे के बगैर? नरमीन, तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। आगे तुम्हारी तलाक ने मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सोचा था तुम्हारे फर्ज से फारिग हो गई हूँ तो अल्लाह बाकी दोनों के लिए भी अच्छे असबाब बना देगा, लेकिन तुम और तुम्हारी तलाक दोनों ने उनकी राह में रुकावट खड़ी कर दी है। बाकी रहा खर्चा, जितना तुम्हारी शादी पर किया था सब जाया। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। तलाक ना होए कोई गुनाह हो गया, जिसकी सजा मुजरिम को नहीं बल्कि मजलूम को मिल रही है। तो सुनती ही नहीं।